नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ह्यूमन ब्रेन की स्टडी कैसे करते हैं। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जिसकी स्टडी आज तक पूरी नहीं हुई है। बेसिकली इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो आज आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना इतना भी आसान नहीं है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स, बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक थिक स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है। प्लस यहाँ पे लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होती हैं, जो कि इसी सेम फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है वो बिलियंस ऑफ टाइनी कनेक्टेड सेल्स की मदद से बना होता है, इसीलिए यहाँ पर किसी चीज को अलग से आइसोलेट करके उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाना ब्रेन के केस में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लस यहाँ पे हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिनका वो ब्रेन है, बेसिकली जो उस ब्रेन के ओनर है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे उनकी ब्रेन की स्टडी के दौरान। बिकॉज यहाँ पे हमें ब्रेन के कई केसेस को स्टडी करने के लिए लिविंग ब्रेन की ही जरूरत पड़ती है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज की स्टडी में। तो यहाँ पे करेंटली हम तीन टेक्निक्स को यूज करते हैं ह्यूमन ब्रेन की स्टडी में, जो कि है EEG, fMRI और तीसरा है PET या फिर PET स्कैन, जिसमें दोस्तों ये जो तीनों टेक्निक है ये अलग अलग चीजें मेजर करती हैं ब्रेन की, प्लस इनके खुद के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिसके बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली टेक्निक आती है EEG, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो कि हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, जिसमें जब ब्रेन सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है स्कल पे, जो कि इन इलेक्ट्रिसिटी की जो वेव्स हैं ये उनको पिक करते हैं, और इसके बाद इन सिग्नल्स के डिफरेंसेस को डिटेक्ट किया जाता है इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से, जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे दोस्तों, ये जो EEG टेक्निक है इसको करीब 100 साल पहले ही इन्वेंट कर लिया गया था, लेकिन ये आज भी यूज होती है कई कंडीशंस के डायग्नोसिस में, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, प्लस और भी जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उसको इसी टेक्निक से डायग्नोस किया जाता है। प्लस यहाँ पे इस EEG टेक्निक को तब भी यूज किया जाता है जब हमें ये पता करना हो कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है, बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स उस वक्त एक्टिव हैं जब हम कोई चीज लर्न कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर चीज पर अटेंशन दे रहे हो। फिर इसके बाद अगर हम इस EEG टेक्निक के एडवांटेजेस की बात कर लें तो ये नॉन इन्वेजिव होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई कट वट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद ये इनएक्सपेंसिव भी होता है और ये हर मिली सेकेंड का भी हमारे ब्रेन में जो चेंजेस है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, ये उसको मेजर कर सकता है, और साथ ही में ये टेक्निक काफ़ी फास्ट भी होती है। फिर इसके बाद अगर हम इस EEG टेक्निक के डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो इस टेक्निक का मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओरिजिनेट हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन से, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ से ये सिग्नल ओरिजिनेट हुआ है उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस EEG की टेक्नोलॉजी में। बेसिकली हम इसमें ये नहीं पता कर पाते कि वो जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली कहाँ से आया है, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पूरे ब्रेन में जनरेट होते हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये इस टेक्निक का मेन डिसएडवांटेज निकल के आता है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जिससे कि हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन बता पाए। अब इसके बाद दोस्तों, दूसरी टेक्निक आती है जो कि है fMRI, जिसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। fMRI में हम ये स्टडी करते हैं कि जो ब्रेन सेल्स हैं उन्होंने कितनी जल्दी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है, जिसमें जो हाईली एक्टिवेटेड एरियाज ऑफ द ब्रेन है वो उस ऑक्सीजन को ज्यादा जल्दी कंज्यूम करेंगे एज कम्पेयर टू जो कि लेस एक्टिव हैं, जिसमें जब वो पर्सन इस fMRI को करा रहा होगा उसको कोई कॉग्निटिव या फिर बिहेवियरल टास्क दिया जाएगा, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेन का कौन सा एरिया ज्यादा एक्टिवेटेड था। फिर इसके बाद अगर हम fMRI के एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे इस टेक्निक का मेन एडवांटेज ये होता है कि जो ब्रेन एक्टिविटी हो रही है हमारे ब्रेन में, ये उसकी लोकेशन को एकदम पिन पॉइंट बता सकता है, वो भी एकदम फ्यू मिलीमीटर्स की डिस्टेंस में। फिर इसके बाद अगर हम इसी की डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्लो है एज कम्पेयर टू EEG। फिर इसके बाद दोस्तों, थर्ड टेक्निक आती है जो कि PET या फिर PET स्कैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मेजर करता है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रेन में। अब यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव का नाम सुन के थोड़ा सा डर जरूर लग गया होगा,
लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पीईटी स्कैन्स हैं ये कम्प्लीटली सेफ होते हैं एफएमआरआई और ईईजी की तरह। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी पेट स्कैन को परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे एक स्मॉल रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको कहा जाता है ट्रेसर, जिसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। इसके बाद जो डॉक्टर है वो इस ट्रेसर के सर्कुलेशन को जो कि हो रहा है हमारे ब्रेन में वो इसको मॉनिटर करेगा, जिसमें ट्रेसर को मॉडिफाई किया जाता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए। जिससे दोस्तों होता क्या है कि ये जो रिसर्चर्स हैं ये इन पेट स्कैन्स की मदद से हमारे ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है ये उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये टेक्निक काफी केसेस में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ड्रग है और हमें पता करना है कि उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर क्या होगा, तो यहाँ पे हम इस टेक्निक को परफॉर्म करके देख सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक का भी मेन डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, प्लस यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इस ट्रेसर को डिग्रेड कर सकते हैं टाइम के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों इन तीनों टेक्निक्स की मदद से साइंटिस्ट हमारे ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।